बहुत ज्यादा तैयारियां हो रही हैं, अहमदाबाद में ये फाइनल खेला जाएगा। इंडिया पूरी दुनिया में एक है, समझे इस चीज को भाईजान, कि पूरी दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है। मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब एक हैं। एक एक्स्ट्रावेगेंजा होगा जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, फॉर्मर कप्तान्स भी होंगे, कैप्टन्स भी होंगे, माइनस इमरान खान। इंडिया का तो ये हम जानते हैं कि वो जो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं या ऐसे शो ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर वेरी गुड ऑन इट, दे आर वेरी प्रोफेशनल, मतलब ऑलवेज ग्रैंड ग्रैंड करते हैं। बस कर दो यार, अब तो आंसू भी नहीं खत्म हो रहे इन लोगों के, इतना हमने रो लिया है, इतना हमने इस किस्म की बकवासें कर ली। आज रात तो अहमदाबाद के अंदर कमाल की रात होगी और कल जब इंडिया जीतेगा वहाँ पर जो फायरवर्क्स होंगे और वहाँ जो आतिशबाजी होगी, जो सेलिब्रेशंस वहाँ पर होंगी, लोगों की जो खुशी होगी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रंडी रोना शुरू हुआ है, उनकी फटके गले को आई हुई है, उनको पता है इंडिया का मुकाबला है और इंडिया वो टीम है जो घर में हमारी बैंड बजा के आई थी। नमस्कार दोस्तों, ए1 न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज के साथ, जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे जिस तरह इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है, इंडिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इंडिया में तिरंगा को लहराया जा रहा है। आज इंडिया को जिताने के लिए पूरे इंडिया का सपोर्ट खुल के इंडियन टीम को किया जा रहा है, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दोस्तों आज वह दिन है जिस दिन पर पूरे 140 करोड़ आवाम की धड़कने में इंडियन टीम के लिए प्यार बैठा हुआ है और इंडिया की आवाम आज पूरी तरह से इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया ये वर्ल्ड कप कुछ भी करके जीत ही लेगा। और साथ ही साथ यह वह दिन है जिस दिन पर सिर्फ एक क्रिकेट टीम के जीतने पर यह साबित होगा कि आज इंडिया की 140 करोड़ आवाम के दिल खुश होंगे या उनके दिलों पर मायूसी छा जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। तैयारियां हो रही हैं, अहमदाबाद में ये फाइनल खेला जाएगा एंड मुशी भाई जो हम देख रहे हैं ना तैयारियाँ इस वक्त, मतलब इंडियन एयरफोर्स से लेके एवरी वन इज़ इन्वॉल्व। इंडियन एयरफोर्स वुड शो देयर एयर शो एंड देन कोरियोग्राफीज हो रही हैं, एक ओपनिंग सेरेमनी क्योंकि नहीं करवा सकी थी BCCI, तो अब जो है वो BCCI और ICC मिलके एक क्लोजिंग सेरेमनी, एक ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सारे विनिंग कैप्टन्स, ये जो आपको वर्ल्ड कप कैप्टन्स की जो हमारे सामने भी, हमारे पास भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, ये यूसुफ के पीछे अगर हम कैमरे पर दिखा सकें तो ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, सो ये सारे कैप्टन्स एक्सेप्ट वन ऑफ द कैप्टन, ये सब जो हैं कल वहाँ मौजूद होंगे और उनको स्पेशल ब्लेजर्स दिए जाएंगे ऑफ दिस स्पेशल फाइनल एंड वर्ल्ड कप। ये हम दिखा भी रहे हैं जो अच्छा, तमाम ये ग्रेट, हाँ, ये अभी देख रहे हैं हम सब, ऑब्वियसली हम रोज़ देखते हैं ये। और देखिए जो पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था वो नहीं हो सका, आई थिंक वट एवर द रीज़न। यस, अब जो ये फाइनल जो होता है ना, ये लकीली यूसुफ भी एक फाइनल में इन्वॉल्व रह चुके हैं 99 के, मैं भी अल्लाह का शुक्र है दो फाइनल में इन्वॉल्व रह चुका हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से, एक में जीते भी थे। बहुत एक्साइटमेंट होती है एज ए क्रिकेटर, आप सोच नहीं सकते कि फाइनल वाले दिन आप कितना इंतजार कर रहे होते हैं। और जो ऊपर से इंडिया का तो ये हम जानते हैं कि वो जो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं या ऐसे शो ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर वेरी गुड ऑन इट, दे आर वेरी प्रोफेशनल, मतलब ऑलवेज ग्रैंड ग्रैंड करते हैं। और उनके जो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो अपने एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड के, बॉलीवुड के लोग हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा मैच में, मैच सेमीफाइनल में भी देखा आपने कि वो सारे मुंबई में बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो उनके सुपरस्टार, इवन डेविड बैकम बैठे हुए थे। तो आई थिंक ये उनकी एक इंडस्ट्री को उठाने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी होता है उनका। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आई थिंक इट बी ए ग्रेट, कल जो भी करेंगे बड़ा मजा आएगा। इंडिया पूरी दुनिया में एक है, समझे इस चीज को भाईजान, कि पूरी दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है। मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब एक हैं। इंडिया की टीम कामयाब क्यों है,
इंडिया पूरी दुनिया में कामयाब क्यों है? देखिए ना, उधर आप 10 किलोमीटर से दूर जाते हैं ना तो जुबान चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, इतना बड़ा इंडिया है। तो वो उन्होंने नहीं देखा कि ये उर्दू बोलता है, पंजाबी बोलता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। उन्होंने हाँ जी, उन्होंने ये देखते हैं कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, ये टैलेंट से हमारे इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, ये टैलेंट से हमारे इंडिया का नाम बढ़ेगा, वो इस चीज को देखते हैं। देखें वैसी वैसी साहब हैं और एक उनके भाई हैं, वो जो डॉन लगते हैं देखने में। अच्छा, ये दो भाई अपनी गवर्नमेंट के लिए ऐसे खुले लफ्जों में बात करते हैं, मोदी जी के लिए ऐसी बुरी बुरी बात करते हैं। देखें ये लोग अगर पाकिस्तान में ऐसे हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात कर रहे होते, ये जेलों में होते या ये मर चुके होते अब लोग। मैं सही बात कर रहा हूँ जी हाँ। तो मैं इंडियंस के लिए ये बात करना चाहूंगा कि आप खुश नसीब हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, मोदी हैं, मोदी हैं। अवेसी जैसे जितने मर्जी हिंदुस्तान में आ जाएं, मैं एक बात आज ग्रंटेड कहती हूँ, जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे वहां पर बंदे मौजूद हैं, एक भी बंदा हिंदुस्तान का बाल नहीं बांका कर सकता, एक भी बंदा हिंदुस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, वरना आंखें निकाल दी जाएंगी। उसकी एक वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, एक बंदा कह रहा है कि अगर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए ना तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी वर्थ हो गई है कि भाई पूरी दुनिया कह रही है हाँ मोदी है, बस मोदी है। देखो अनम, आज मैं कितना भी नाम कमा लूं लेकिन इसका पूरा का पूरा क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। अगर उन्होंने भारत में मुसलमान बेटियों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, अगर उन्होंने भारत में मुसलमान बेटियों को इतना आगे नहीं बढ़ाया होता, इस्लाम की कुप्रथाओं से निजात नहीं दिलाया होता, तो शायद आज मुसलमान बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती। उसी तरीके से स्पोर्ट्स ले लो, स्विमिंग ले लो, हॉकी ले लो, कबड्डी ले लो, हर एक चीज में इसरो ले लो, साइंटिस्ट ले लो, हर एक चीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट और क्रीड का कुछ नहीं है। भाई आप अच्छा कर रहे हैं, आप क्रेडिबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर ये शक्ति है कि आप दुनिया में अपना नाम सुनहरे लफ्जों में सुनहरे पन्नों पे लिखवाने की क्षमता रखते हैं, लिखवाइए, हम आपके साथ हैं। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है ना, कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो, इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो, सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है, देख ले आप अफगानिस्तान को देख ले, वो ऐसे हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया उनका हो क्या, मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर वन। व्हाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में आईटी में